हेलो फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा में बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या वैकेंसी है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है ये बिहार सरकार की तरफ से, जो कि बिल्कुल परमानेंट है और बहुत ही अच्छा मौका है जो तैयारी कर रहे हैं। ये जो लिंक है, ये मैं सारा लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरा डिटेल से आसानी से मेरे वेबसाइट पर आप आके पढ़ सकते हैं। ये देखिए मैंने डाला है अपने वेबसाइट पर, यहाँ से आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे में यहाँ पर फुल डिटेल्स देख सकते हैं। और इसका यहाँ डायरेक्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है वो चालू कल से है, 9 तारीख से, वहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिंक दे दिया है। अब मैं जैसे ही लिंक चालू होगा मैं उस पर वीडियो बना कर लाऊँगा। अभी मैं बता रहा हूँ इस पर फुल डिटेल्स। चलिए देखिए स्टेप बाई स्टेप। ये देखिए यहाँ पर दो वैकेंसी आई हुई है, एक वन है एक टू है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर, जो पहला वाला है देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना। देखिए दिखा रहा है बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत पहला पोस्ट जो है सहायक है, दूसरा पुस्तकालय सहायक है, उर्दू सहायक है, शोध या संदर्भ सहायक है, उर्दू अनुवादक है, अनुवादक अंग्रेजी या हिंदी में है, और जो लास्ट में है वो है सहायक अवधायक। ये सब जो है इसके इतने पदों पर ये भर्ती आयोजित हो रही है, जो कि विज्ञापन संख्या 1/18 है, जिसका कि प्रकाशन बिहार सरकार कर रही है विधानसभा सचिवालय के द्वारा, जो कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसका मैंने लिंक अपने वीडियो के जिसमें डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट पा सकते हैं। ये जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो आपको 9 तारीख से कल से शुरू हो जाएगा 11 बजे से, और आपको ये 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक लास्ट है, ये याद रखना है आपको। और परीक्षा का जो ऑनलाइन जो पेमेंट करना है आपको परीक्षा शुल्क के साथ, वो करना है आपको 31 दस तक सेम है, और ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो भी 31 दस तक करना है आपको। उसके बाद ये लिंक ऑटोमेटिक ये डिजेबल हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारे हैं, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप। देखिए ये जो है आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। देखिए आप दिखा रहे हैं आपको, आपको 1 से लेकर जो 6 नंबर तक पोस्ट जितना भी है, सहायक, शोध संदर्भ, पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक और अनुवादक, सबके लिए दोस्तों जो पेमेंट है वो 7वां वेतन आयोग के द्वारा मिलेगा आपको। और उसका जो सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक, ये सबका पेमेंट है आपको। और प्लस जो जितना भी अदर अलाउंस है वो सब मिलेगा आपको। और जो आखिरी पोस्ट है वो सहायक अवधायक का, वो भी आपको जो है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक प्लस अदर अलाउंस है, सब कुछ मिलेगा। ये इसकी यहाँ दिखा रहा है आपको ऑनलाइन जो आवेदन है वो 9 से शुरू होगा कल से और लास्ट 31 तक करना है आपको। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको जो रिक्तियाँ है आरक्षणवार कैसे कैसे दिया गया है, सहायक के लिए कितना अनरिजर्व में है, कितना क्या है। जो टोटल पोस्ट है सहायक का वो है 54 पोस्ट है। आपको जो शोध संदर्भ का सहायक जो है वो 8 पोस्ट है टोटल। पुस्तकालय सहायक के लिए 10 पोस्ट है, आपको यहाँ दिखा रहा है। उर्दू सहायक के लिए आपको 2 पोस्ट है, उर्दू अनुवादक के लिए 2 पोस्ट है, और अनुवादक जो अंग्रेजी और हिंदी के लिए वो 2 पोस्ट है। सबको यहाँ बायफर्केट किया है, आप देख लीजिएगा। और जो लास्ट में है सहायक अवधायक, उसके लिए टोटल 6 पोस्ट है, सबको बायफर्केट किया है, आप देख लीजिएगा। ये देखिए दिखा रहा है शैक्षणिक योग्यता, आपको दिखा रहे हैं सहायक के लिए जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, यानी आपका कोई भी अगर डिग्री है ग्रेजुएशन का, चाहे आप बीटेक हो या कोई भी हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर बीटेक भर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपका वो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप कोई भी डिग्री है आपका तो आप भर सकते हैं, याद रखिएगा। सहायक के लिए और शोध संदर्भ में जो है इसके लिए आपको जो होना चाहिए वो पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में आपको होना चाहिए स्नातक किसी भी एक विषय में, ठीक है, स्नातकोत्तर की उपाधि साथ में होना चाहिए। और जो पुस्तकालय सहायक है उसके लिए भी आपको पुस्तकालय विज्ञान में यानी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। उर्दू सहायक के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें स्नातक में यानी जो आप ग्रेजुएट किए हैं उसके साथ में किसी एक भाषा उर्दू के रूप में होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। और उर्दू जो अनुवादक है उसके लिए भी सेम चीज़ है, जो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो साथ में एक विषय उर्दू अवश्य हो, या उर्दू में स्नातक की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू या हिंदी होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। और जो अनुवादक है अंग्रेजी या हिंदी, उसमें क्या है आपको स्नातक होना चाहिए हिंदी में स्नातक, या समकक्ष उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेजी अवश्य हो, या आपको अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी अवश्य हो, याद रखिएगा। और जो सहायक है अवधायक, उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी से भी स्नातक,
सिंपल स्नातक, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आरक्षण का क्या स्थिति है। देखिए दिखा रहा है, आरक्षण की सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान होगा। जो आप देते हैं वहाँ पर अस्थायी पता वही मान्य होगा। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, देख लीजिए। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के जो भी है आलोक में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होना, ठीक है, होना चाहिए। क्या क्या है? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और अस्थायी निवासी होना चाहिए डोमिसाइल। और उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या क्या? जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये होना अनिवार्य है, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप पीएच है तो उसके जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको बना हुआ होना चाहिए 40% या उससे अधिक का, तभी आपको पीएच का लाभ मिलेगा। बाकी बहुत सारे पॉइंट है आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, ये देख रहे हैं आप उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है न्यूनतम वो 1/8/18 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, और जो अधिकतम है वो अनरिजर्व के लिए पुरुष के लिए होना चाहिए 37 वर्ष, और जो महिला है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए होना चाहिए 40 वर्ष, और जो अनुसूचित जाति है जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। इस तरह से आप देख लीजिएगा, SC ST के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए आप परीक्षा की जो पद्धति है, उपर्युक्त सभी पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। याद रखिएगा, 2 चरणों में ली जाएगी। सर्वप्रथम जो है एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, इसमें कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी ली जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों में से मुख्य परीक्षा ली जाएगी। जो इसमें सफल होंगे उसके लिए मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सभी 7ों पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समरूप होगा तथा उसके आधार पर एक ही कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। इसी प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल सभी 7ों पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दिखा रहा है आपको जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का जो माध्यम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका वो क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किसे किससे क्वेश्चन आएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा के जो विषय होंगे वो क्या क्या होंगे, जो देखिए कौन नंबर दिखा रहा है, सामान्य अध्ययन जो GK है उसकी संख्या 40 होगी, और जो सामान्य विज्ञान एवं गणित है उसकी संख्या 30 होगी, और जो मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार जो है वो 30 होगी। टोटल जो है आपका 100 अंक का ये एग्जाम होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये रहे उसको यहाँ टोटल डिटेल्स दिया गया है कि आपको जो GK कैसा आएगा, गणित विज्ञान का कैसा आएगा, मानसिक क्षमता तार्किक का किस तरह से आएगा, यहाँ सारा कुछ दिया गया है, आप देख लीजिए। और जो मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्थांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। जितना भी टोटल पोस्ट है उससे 10 गुना आपको मेन परीक्षा के लिए दिया जाएगा। इस तरह से देखिए दिखा रहा है आपको जो मेन सूची आएगा, किसी एक पद पर 2 अभ्यर्थियों में से एक के चयन की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पद के लिए निर्धारित वांछित योग्यता को आधार माना जाएगा। देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर। और जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों, वो जो है आपको टोटल जो है अनरिजर्व है या BC1 BC2 के लिए 400 रुपये है, जो बाकी SC ST या ओमेन है उसके लिए आपको 100 रुपये का लगेगा। देख रहे हैं आप, इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। कैसे करना है? नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड के द्वारा आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कुछ 10-20 रुपये वो एक्स्ट्रा लगेगा। ये रहा फुल डिटेल्स, इसको आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं PDF का लिंक, और ऑनलाइन जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। और आप भी जोर फॉर्म को भरिए, लाइक बटन को जोर दबा दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।